नमो नारायण श्रद्धालुओं, मैं हूं ब्रह्मांडपुरी महामंडलेश्वर अरवेदाचार्य। आज भक्तों के आग्रह पर फिर उपस्थित है एक नए वीडियो के साथ। वस्तु वो खरीदनी चाहिए जो आजीवन काम में आए, और ज्ञान वो आचरण में रखना चाहिए जिसे लेकर के, जिसे जीवन में उतार के आदमी की दशा और दिशा दोनों बदल जाए। हम विषय ज़्यादातर लेते हैं आयुर्वेद की, और आयुर्वेद में हम हमेशा आपको एक नई टिप्स देते हैं, एक नया जानकारी देते हैं जिससे आप सदैव रोग मुक्त रहें। चार प्रकार के सुखों का व्याख्यान है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा घर में माया, सत्वंती नारी, पुत्र सदाचारी। अगर इनमें से एक भी कम हो गया तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाता है। मित्रों, हम काफ़ी चीज़ें आपको ऐसे बताना चाहते हैं कि जिनका निदान हमारे पास ही होता है। हम जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन जीवन जीने की हम कला को भूल गए। हमारे परिवार में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छा पीसफुल क्लाइमेट, एक दूसरे के प्रति अप्रतिम सौहार्द, प्रेम, समर्पण की भावना भी हमें काफ़ी बीमारियों से दूर करती है। क्योंकि हमारा जीवन वात, कफ और पित्त पे टिका हुआ है। हमारे आहार और विहार से ही काफ़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं। जैसे हम बात करेंगे डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ सेल्फ क्रिएटेड बीमारी है। एलोपैथ में दो प्रकार की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 2 जो होता है वो सेल्फ क्रिएटेड होता है, टाइप 1 जो है वो जेनेटिक होता है। डायबिटीज़ की शुरुआत कहाँ से होती है? प्रकृति में चार प्रकार की अग्नि है, जठराग्नि, मंदाग्नि, दावाग्नि और बड़वाग्नि। जठराग्नि, मंदाग्नि हमारे अंतरांगों में होती है, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में 2B और 4B कहते हैं, जिसे हम कहते हैं 2B और 4B। दावाग्नि जिसे हम चूल्हे में जलाते हैं, अग्नि में जलाते हैं। बड़वाग्नि हम उसे कहते हैं जिससे ज्वालामुखी फट जाती है। और इन सबसे बड़ी एक अग्नि हमारे जीवन में होती है जिसे हम कहते हैं क्रोधाग्नि, है ना? क्रोधाग्नि का बड़ा ही रोल है इस जीवन में। हमारे जीवन जीना की बहुत इच्छाएं हैं, लेकिन हम जीना नहीं जानते। क्रोधाग्नि जिस तरीके से आप अनुभव लीजिएगा, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो, जिस तरीके से अग्नि पे या चूल्हे पे तवा रखने से गर्म हो जाता है, उसी प्रकार से जब आपके शरीर में क्रोधाग्नि बढ़ जाती है तो आपका शरीर गर्म हो जाता है। हाइपर ब्रेन इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट कहते हैं इसको। जब आपके ब्रेन में विद्युत तरंगे जरूरत से ज़्यादा बनने लगती हैं तो आपके बीटा सेल्स धीरे धीरे वर्क करना छोड़ने लगते हैं, आपके ब्रेन के सेल्स डेड होने लगते हैं और आपका ब्रेन लार्वा पीक हो जाता है, तो शुरू हो जाता है आपके अंदर बीमारियों का आगमन। उससे सबसे पहले आपको होती है BP, ब्लड प्रेशर। हाँ, सही सुना आपने, ब्लड प्रेशर। अगर आप अतीत और वर्तमान का वैचारिक द्वंद्व करते हैं, मानसिक रूप से नहीं सोते हैं, शरीर सोता है, मन और मस्तिष्क नहीं सोता है, तो शुरू हो जाता है आपके साथ एक नया क्रीड़ा जिसे हम कहते हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ 2 टाइप का है ये। डायबिटीज़ टाइप 2 शुरू होता है, और डायबिटीज़ टाइप 2 होने के बाद आपकी दशा तो व्यर्थ हो जाती है। अरबपति, करोड़पति, सारे सुख सुविधाओं को लेकर आप उसका भोग ही नहीं कर पाते। एक गरीब आदमी ने सोचा, शाम को भोजन कैसे करूँगा, तो उसके पास तो खाने के लिए रोटी के पैसे नहीं है, अनाज के पैसे नहीं है, और साहब आपके पास तो सब है, डॉक्टर साहब ने कहा डायबिटीज़ हो गया, अब क्या खाएँगे आप?
बैगन बंद, आलू बंद, चावल बंद, स्वीट बंद, चिली आइटम बंद, तो यानी सब कुछ होते हुए आपके पास कुछ नहीं है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्रोधाग्नि बढ़ने से। तो अगर आपके पास क्रोध अग्नि नहीं है, अगर आपके पास क्रोध अग्नि ज़्यादा बढ़ती है तो भी आपको अनेक बीमारियों से जूझना पड़ता है। स्पिरिचुअल लाइफ लेक्चर्स की बात करते हैं, जीवन जीने की कला। अब आपको अटपटा लग रहा होगा कि स्वामी जी, हम इन सारी बीमारियों से, पारिवारिक माहौल से कैसे बच सकते हैं? तो आप बच सकते हैं ना साहब, आहार से, विहार से, शयन से और भोजन से। आपको ध्यान देना है, जितने भी दर्शक हमारे वीडियो को देखेंगे ध्यान करिएगा, अगर आपको शुगर टाइप 2 है, समय से आप भोजन करें, 6 घंटे की नींद लें और 6 घंटे की नींद लेने के बाद में आपको प्रॉपर तरीके से मानसिक शांति अगर मिलती है तो 80% डायबिटीज़ यूं ही ठीक हो जाएगी। आपके परिवार का क्लाइमेट पीसफुल है, आपको मानसिक तनाव नहीं होगा, रिश्तों में कभी रिसाव नहीं होगा। हमारे जीवन में पहली व्यवस्था है आशा और आतृप्ति, हम उसी पे जी रहे हैं। प्रकृति में 2 व्यवस्था है, रूप और स्वरूप, रूप और अनुरूप, इन्हीं पे सब निर्भर है। आप कैसे पहचानते हैं ये पुरुष है या स्त्री है? उसके रूप और स्वरूप से। आप कैसे पहचानते हैं ये इसका पिता है या इसका पुत्र है? उसके रूप और अनुरूप से। ठीक उसी तरीके से फैमिली में कहा गया है, अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट वुमेन सक्सेसफुली लाइफ। परिवार के अंदर एक दूसरे को समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है, अन्यथा कोई पढ़ लेता है कोरे कागज़ पे ज़िंदगी की दास्तां, कोई पूरी पुस्तक को पढ़ करके भी कुछ भी नहीं समझ पाता। ऐसी ज़िंदगी की किताब है, जितने पन्ने पलटो उतने रोज़ नए इतिहास खुलते हैं। आयुर्वेद से इसका संबंध हम आपको बताते हैं। अगर आप पूरे परिवार के साथ रहते हैं, सुबह उठिए, 5 बजे से पहले सूर्य की किरणों आपको स्पर्श करें, आपको पता होना चाहिए ना, मोरल मेडिसिन से विटामिन डी लेते हैं ना आप, क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेरी। लेकिन रोज अगर सनलाइट में बैठते हैं, वो विटामिन डी आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, जो सनलाइट से ही मिलती है। काफ़ी माताएं आजकल, हमारी बहनें माताएं जो न्यू जनरेशन है, उनको बड़ा शौक है, स्नान करेंगे तुरंत ड्रायर लगा करके उसको सुखाते हैं, थोड़े दिनों बाद रोते हैं, बाल 2 महीने हो गए, बाल टूट गए, बट वाई। प्राकृतिक व्यवस्था सनातन की और आयुर्वेद की है कि आप स्नान करें, स्नान करने के बाद बालों को धूप में सुखाएं, इससे भी आपको विटामिन डी की पूर्ति होती है। जब आपको पारिवारिक असमंजस्य नहीं है, सामंजस्य है, तब आपको ध्यान होना चाहिए कि हमें क्या खाना और क्या नहीं खाना। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सूर्य की किरणों में जाकर के बैठें, नंगे पैर थोड़े सा आप वॉक करें, टहलें। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से एक मैग्नेटिक एनर्जी जनरेट होती है और वो एनर्जी से ही आप चिपक कर पृथ्वी पे चलते हैं, नहीं तो मंगल और चंद्र लोक पे आदमी खड़ा नहीं हो सकता, वो उड़ता ही रहता है, क्योंकि वहाँ पर वो मैग्नेटिक एनर्जी नहीं। आजकल हम लोगों ने क्या किया, घरों में टाइल्स मार्बल्स लगा दिए, नो डाउट, इसीलिए हमको आर्थराइटिस होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है, हम उस पे चलते हैं शीतलता से। आप अगर अपने घर में सुबह उठिए, नीड्स बनाइए, आप सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान ध्यान करिए, और हाँ, नहाते टाइम भी ध्यान रखिए, काफ़ी छोटी छोटी गलतियाँ बड़ी बीमारियों का दावत है। नहाते समय कभी भी पैरों में पहले पानी नहीं डालना चाहिए, हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है, और जब हम पैरों में पानी डालते हैं तो इसकी पूरी बॉडी हीटिंग ब्रेन में चली जाती है, और उसके बाद जब हम ब्रेन में डालते हैं
तो ये वात और कफ आकर के हमारे लंग्स तक पहुंचता है, हमारा COPD बढ़ जाता है, कार्बन लेवल बढ़ जाता है। नहाने के समय पे भी आपको ध्यान रखना, आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं। सनलाइट इफेक्ट आपको बता दिया, उसके बाद दूसरा प्रयोग पिछले वीडियो में भी बताता रहा हूँ मैं, ओंकार करिए। और अगर अध्यात्म में जाना है तो माने तो भगवान, नहीं तो पत्थर। एकाग्रचित होकर के आप थोड़े समय के लिए ज्योति प्रज्वलित करें और दोनों नेत्रों से एकटक उस ज्योति को देखते रहें। तंत्र क्षेत्र में इसी को त्राटक कहा गया है, इसे ज्योति त्राटक कहते हैं। जब आप इसे देखते रहेंगे, देखते देखते आपकी पलकें दबेंगी, थोड़ा और दबेंगी, जब उसका लाइट इन्फेक्शन होने लगेगा तो आपको नेत्र ज्योति का विकास मिलेगा। आपकी नेत्रों में एक अजीबोगरीब अट्रैक्शन आ जाएगा, सम्मोहन आ जाएगा और आपके फेस ग्लोज बढ़ जाएंगे। अगर आपका फेशियल एक्सप्रेशन गुड है, अगर आप चेहरे से खुश हैं तो ही आपके पास लोग खुश करने वाले आएंगे। आप बाहर निकलेंगे तो वाह क्या फेस है, कितना खुश है, क्या ग्लोज है। किससे लिया आपने? प्रकृति से ना, थोड़ा सा कष्ट करना। आपको कोई बर्थडे गिफ्ट देता है संभालते हो ना, आपको कोई गाड़ी देता है संभालते हो ना, आप AC को साफ करते हो ना, आप अपने सोफे को ड्राई कराते हो ना, ड्राई क्लीन कराते हो ना। तो इतना बड़ा शरीर ये जो गिफ्ट दिया है परमात्मा ने, थोड़ा सा इसके बारे में भी रुझान रखो ना मेरे भाई, तो आयुर्वेद से बचोगे। तृतीय प्रहर में आपको बता देता हूँ आहार की बात, कैसा होना चाहिए आपका भोजन, क्योंकि साधना का साधन ये शरीर है। अगर ये शरीर ही नहीं तो साधना क्या करेंगे। थोड़ा सा लग रहा होगा लेकिन ध्यान से सुनिए, साधना का साधन ये शरीर है और अगर शरीर नहीं तो साधन क्या करेंगे। यूं तो साधन भगवान ने सबको दिए हैं पर साध्य करना हर किसी को नहीं आता। साधन सबको दिया है उसने, आपको भी हाथ दिए, हमको भी दिए हैं। इन्हीं हाथों से कोई चोरी करता है, इन्हीं हाथों से कोई दान करता है, इन्हीं हाथों से कोई किसी गरीब का गला दबाता है और इन्हीं हाथों से कोई गरीब का सेवा करता है और ब्रह्मांडपुरी जैसे नर सेवा नारायण सेवा के भाव में जीता है। साधन है आपके पास, उसे साध्य करना सीखिए। भोजन की व्यवस्था में आते हैं तो ध्यान रखिए, कभी भी जितनी भूख है उसका 1/3 भोजन करिए और सवेरे का भोजन आपका पूरा बादशाही भोजन करिए। काजू बादाम पिस्ता अखरोट जितना खाना है उतना खाइए, आपके पास डाइजेस्ट करने के लिए टाइम है। दोपहर का भोजन आप नवाबी करिए, जैसा आपको प्रभु ने दिया है, प्रकृति के 9 रसों का पान करिए, कोई बात नहीं है। लेकिन शाम का भोजन फकीरी का होना चाहिए क्योंकि आज आपके पास समय नहीं है। भोजन के बाद आप टहलने नहीं जा रहे हैं, आपको आज शारीरिक कर्म नहीं करने हैं, आप शरीर से परिश्रम नहीं कर रहे हैं। अगर इस तरीके का भोजन करेंगे तो भी आप आधे रोग से बच जाएंगे। हफ्ते में एक दिन का उपवास रखना चाहिए, साइंटिफिक रीजंस हैं इसके। हम कंटिन्यू भोजन करते जा रहे हैं, हमारा लीवर उसको डाइजेस्ट नहीं करता है तो उसमें सड़न शुरू हो जाती है और उस सड़न से भी हमें अल्सर की बीमारी हो जाती है। अगर केयर नहीं करें तो लीवर कोलाइटिस अल्सर हो जाता है जो आज असाध्य माना गया है, अनक्योरेबल माना गया है। अगर आपने बुजुर्गों की छोटी सी बात मानी, कम खाना गम खाना, हाकिम हकीम के पास नहीं जाना, तो भी आपको काफ़ी लाभ मिल जाएगा। भोजन 2 निवाला कम खाएं, डाइजेशन सही रहेगा। अगर कहीं क्रोध आए तो थोड़ा सा नम जाएं, विवाद नहीं होगा क्योंकि पूर्व जन्म का मंगल ग्रह है। आज पुलिस वालों को हम खा करते हैं, यह हमेशा प्रभावी होता है तो अपना ही क्षति करता है। अगर कहीं आक्रोश आए तो थोड़ा सा नम जाना, वो स्थिति नहीं बनेगी। आगे चलते हैं, अभी हमने बात करी सूर्य में ब्रह्म मुहूर्त में उठने की, टहलने की, भोजन की, अब व्यवहार की बात कर लेते हैं। थोड़ा व्यवहार कैसा होना चाहिए परिवार के अंदर। आप जीवन जीना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा, लेकिन जीवन जीने की कला नहीं है, हमारा हार्डली अटैचमेंट नहीं है। पिता को ये नहीं पता है कि मेरे पुत्र से क्या व्यवहार करना चाहिए। पुत्र को नहीं यही भान है कि मुझे मेरे पिता से कैसी बात करनी चाहिए। पत्नी को
पति के साथ सानिध्य में समर्पण है, लेकिन पति पत्नी को नहीं समझ पा रहा है। क्योंकि आज आपको हम बता दें, मैं एक सन्यासी हूँ, मेरी बातों को लोग अन्यथा ना लें। मैं कभी पुरुष वर्ग या महिला वर्ग की बात नहीं करता, मैं सदैव यथार्थता की बात करता हूँ। ये आदिशक्ति मात्र शक्ति जो आपकी जीवन संगनी अर्धांगनी धर्मांगनी बन के आती है ना, इसका पूरा जीवन तो स्वयं को समझने के लिए ही नहीं मिलता। इसके अंतिम समय तक की गति तो सिर्फ लोगों को समझने में चली जाती है। ये लोगों को समझने में अपना जीवन त्याग देती, लेकिन लोग इसे समझ ही नहीं पाते। 11 साल 12 साल की उम्र होती है, सपनों का राजकुमार कैसा होगा, पढ़ाई करेंगे, ये करेंगे, और आजकल माँ बाप के पास भी समय नहीं, बच्चे के सिर पर हाथ फेरने का, बैठने का, उसको क्या खाना क्या नहीं खाना बताने का टाइम नहीं है। 12-13 साल हो गया, उसका विवाह हो गया, 18-19 साल के अंदर अभी वो खुद को नहीं समझ पाई। थोड़ी सी बड़ी हुई, समाज का बर्डन, घर से बाहर निकलना नहीं, लोग ये कहेंगे, क्योंकि दुनिया में लोग मृत्यु के भय और समाज के भय से ही डरते हैं। अगर किसी को ये कह दिया जाए कल रात में मरेगा और ऐसा कर ले बचा ले, तो उसके लिए कुछ भी करेगा, भले वो झूठ हो, और समाज आपको अपमान कर देगा, ऐसा कह दिया जाए तो घर भी बेच देता। 18-20 साल की उम्र में उस कन्या ने अपने आप को समझा नहीं। माँ के गर्भ से जन्म लेती है, थोड़ी सी होश आता है, उसके पीठ पे बस्ते का बोझ, किताबों का बोझ, थोड़ी और बड़ी हो जाती है उसको एसटीडी का बोझ, थोड़ी और बड़े हो जाती है, ब्रेन कन्वर्ट होता है, ये इंस्पेक्ट है, और दूसरी चीज़ों का बोझ, फेरे हो गए हैं, फेरे होने के बाद अब सास ससुर और दूसरे को समझने का बोझ, पूरी जिंदगी दूसरे को खुश करने में यह मात्र शक्ति लग जाती है। अगर आपने अपनी लक्ष्मी को ग्रह लक्ष्मी समझ लिया, अपने जीवन का पूरक समझ लिया, और उसके साथ क्या चाहती है, उसे कुछ नहीं चाहिए, दौलत सोना शोहरत ये स्त्री का श्रृंगार नहीं है। स्त्री तो यही चाहती है कि दो पल के लिए मुझे कोई समझे, लेकिन जब मुझे समझे तो बीच में कोई दूसरा ना, यही उसकी चाहत होती है। अगर आप इस व्यवहार को भी जीवन में लाते हैं, पति पत्नी के जीवन में समावेश होता है, तो आपके जीवन के आधे दुख यूं ही ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि मेरा ग्लोबल रिसर्च है, मेरा ग्लोबल सर्वे है कि पुरुष स्त्री के पास ज़्यादा समय उस समय गुजारता है जब उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और वो मुसीबत में होता है। उस समय सिर पर हाथ फेर कर कहने वाली कौन होती है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा, वो अर्धांगनी है। और अर्ध को हटा दिया जाए तो क्या हो गया, अग्नि। और अगर अग्नि प्रज्वलित हो जाए परिवार में तो क्या होता है, जीवन का विनाश। और आप ये भी समझिए कि आपके बच्चे आपका रिस्पेक्ट तभी करेंगे जब आप एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे। वो दूसरे ब्लड से है, दूसरे परिवार से आपके पास आई हुई है। अगर आपके सामने बच्चा कड़वा बोलता है और आपने कह दिया चुप, माँ है ऐसे शब्द नहीं बोलना, कल को तो तू मुझे भी ऐसे शब्द कहेगा, नो डाउट वो बच्चा सुधर जाएगा और ना आपके जीवन में असमंजस होगा। और अगर आप ये अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते हैं तो बुढ़ापा आप अपना बिगाड़। व्यवहार अच्छा होना चाहिए, समर्पित व्यवहार होना चाहिए, कि पात्रता मेरी ऐसी पात्रता हो कि मैं मेरे माँ बाप के काम आऊँ, मेरी ऐसी पात्रता हो कि मैं अपनी पत्नी के काम आऊँ, मेरी ऐसी पात्रता हो कि लोग मिसाल कायम करें, वाह क्या परिवार है, क्या अंडरस्टैंडिंग है। अगर ऐसा पीसफुल क्लाइमेट रहेगा तो आप बीपी से बचेंगे, हाइपर ब्रेन इलेक्ट्रिसिटी से बचेंगे, फिर आप आहार विहार एक साथ बैठ के करेंगे। आहार क्या करना चाहिए बताया, सुबह का भोजन बस सही, नबावी दोपहर का, शाम का फकीरी, खाना खाने के बाद यानी भोजन के बाद पानी तुरंत बिल्कुल ना पिए। भोजन उपरांत तोयम विषम वारिणी, तोयम अमृत वारिणी, खाने के बाद ये पानी जहर भी है और अमृत भी है। खाने के आधे घंटे बाद आपको जल पान करना चाहिए। अग्रिम व्यवस्था शयन की है, आपको कम से कम 6 घंटे की नींद होनी चाहिए। 5 लीटर पानी मिनिमम एक व्यक्ति को 24 घंटे में पीना चाहिए। इस तरीके से आपको जीवन जीना
चाहिए। यह जीवन जीने के मार्गदर्शन मैंने आपको इस वीडियोज़ में बताए हैं। अगर इसमें से कुछ भी आप अनुकरण कर लेंगे तो आपकी दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी, क्योंकि याद रखिए आपकी ज़िंदगी है मगर पराई है। ये ज़िंदगी परमात्मा ने आपके लिए नहीं दी है, ये गैरों के जीने के लिए दी है। इसीलिए आपके सिर पे 5 जिम्मेदारियों के बोझ डाल दिए जाते हैं। पैदा होते ही माता पिता का ऋण, बड़ा हुए कि परिवार का ऋण, और आगे बढ़े तो समाज का ऋण। बाकी सत्य की बात करें तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और आपके जीवन में इस शरीर का ज़्यादा प्रेम उचित नहीं है, लेकिन प्रतिष्ठा से ज़रूर प्रेम करिएगा, क्योंकि प्रतिष्ठा की उम्र आपसे कहीं ज़्यादा है, वही आपको कीर्ति देगी। और गीता भी कहती है, जिसका अंत सुधर गया उसका जीवन सुधर गया, जिसकी कीर्ति अमर हो गई वो जीना अमर करके गया। नमो नारायण। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में हमारी कंपनी के नए प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देते हुए। तब तक के लिए नमो नारायण।